नमस्कार, तहलका 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता गायकवाड़। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, शिव का पर्व है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़े धूमधाम से मनाई महाशिवरात्रि और शिव की पूजा आराधना। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ है इसी दिन मध्यरात्रि भगवान शंकर का ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इस महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है। तीनों भूनों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है, शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयंकर ज्वाला है। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और शिव संपत्ति प्रदान करते हैं। इस दिन शिव भक्त शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाते, पूजन करते, उपवास करते तथा रात्रि को जागरण करते। बेलपत्र चढ़ाना, उपवास तथा रात्रि जागरण करना एक विशेष कर्म की ओर इशारा करता है। इस दिन शिव की शादी हुई थी, इसीलिए रात्रि में शिवजी की बारात निकाली जाती है। वास्तव में शिवरात्रि का परम पर्व स्वयं परम पिता परमात्मा की सृष्टि पर अवतरित होने की स्मृति दिलाता है। यह रात्रि शब्द अज्ञान अंधकार से होने वाले नैतिक पतन का द्योतक है। परमात्मा ही ज्ञान सागर है जो मानव मात्र को सत्य ज्ञान द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर अथवा असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के विधान में सवेरे स्नानांतरी से निवृत्त होकर उपवास रखा जाता है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर मुंबई पुलिस ने किया था कड़ा इंतजाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुंबई पुलिस ने कड़ा इंतजाम किया। मंदिर के पास पुलिस ने लोगों के लिए सुरक्षा एहतियात करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया। आज महाशिवरात्रि है, यानी कि शिव और पार्वती जी आज के दिन विवाह के जोड़े में बंधे थे और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोगेश्वरी पूर्व के एक यहाँ पर मंदिर में आया हूँ। यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की गई है
सुरक्षा का यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की है। और सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे शिव जी के द्वार पे यहाँ पर एक पालकी रखी है छोटी सी, जहाँ पर जो अंदर नहीं जा सकते, जो नहीं चल सकते, जिन्हें घाई है जाने की, वो बाहर से ही शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुलिसकर्मी आई है। और द्वार के अगर बात करें तो यहाँ पर चेकिंग इतनी कड़ी है कि मीटर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ दो द्वार है, यानी कि एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए, और साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर्स है, यानी कि कोई भी औजार अगर कोई लाता है तो ये पुलिस इतने सख्त है, तैनात है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसलिए बहुत ही सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। जोगेश्वरी पूर्व के जोगेश्वरी माता के मंदिर का हमारे संवाददाता ने लिया जायजा। महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे संवाददाता ने जोगेश्वरी पूर्व के जोगेश्वरी माता के मंदिर का लिया जायजा, और इस महाशिवरात्रि में मंदिर में कैसे की गई तैयारी और मंदिर के द्वार से आइए हम आपको ले चलते हैं। विशाल गेट के यानी कि द्वार के सामने खड़ा हूँ, जहाँ से बड़े बड़े साधु संत 100 साल पहले और अब भी भक्त जन इसी गेट से गुजरते हैं। ये गेट 100 साल पुराना है और यही द्वार है गुफा के अंदर जाने के लिए। आइए हम ले चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं शिव जी के। शिव का आशीर्वाद लेने पहुंची महाशिवरात्रि के अवसर पर जोगेश्वरी पूर्व के जोगेश्वरी माता के मंदिर में। भोलेनाथ की पूजा और आशीर्वाद लेने मंदिर में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने सहभाग लिया, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। आखिर मंदिर का नाम जोगेश्वरी माता क्यों रखा गया है, आइए इस मंदिर के पंडित से जानते हैं। कई सालों पुराने इस जोगेश्वरी माता के मंदिर का नाम जोगेश्वरी माता रखने की क्या वजह थी, इस बारे में मंदिर के पंडित का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जोगेश्वरी जो कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, लेकिन जोगेश्वरी नाम पढ़ने के पीछे क्या राज है, हमने यहाँ के पंडित जी से जानना चाहा। ये बात करते हैं पंडित जी से, जोगेश्वरी नाम के पीछे क्या राज है। जोगेश्वरी माता ये पार्वती का रूप है, ये शिव पार्वती का यहाँ हर साल मेला होता है, ये शिव पार्वती विवाह होता है इस वक्त, और शिव जी हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं भक्तगण, और अपनी मनोकामना शिव जी के पास बोलते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो प्रकट पूरी करो। यहाँ जो शिव पार्वती जोगेश्वरी माता है, शिव पार्वती का रूप है, यहाँ पांडव वनवास में रहते थे, तो पांडव ने ये जोगेश्वरी माता का जो चरण पादुका है उसका स्थापना किया है पांडवों ने, तो जो बोला हमारा जो संकट है वो दूर करो, तो उनका संकट दूर हो गया,
यहाँ सब बम्बई से आते हैं, जोगेश्वरी के तो आते ही हैं, लेकिन बम्बई बाहर गांव से भी आते हैं। मैं यहाँ पुजारी हूँ, हम लोग पीढ़ी से यहाँ पूजा करते आते हुए हैं।